अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एहसान और आप देख रहे हैं इजी वे फेवरेट। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। और जैसा कि दोस्तों आपने मेरी वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ ही लिया था कि मैंने लिखा था कि पबजी अनबैन हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि पबजी अनबैन हो गई है। और ये वीडियो दोस्तों मैंने खसूसी तौर पर स्टार एनोनिमस भाई के लिए, जलमी भाई के लिए और अहमद भाई के लिए बनाई है, क्योंकि वो यूट्यूब पर पबजी वाली वीडियो अपलोड करते रहते हैं और मैं खुद उनकी वीडियो देखता हूँ, लाइक करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ। और दोस्तों, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पबजी अनबैन हो गई है, आप ज़रूर वो वीडियो बनाएं और अपलोड किया करें, हम ज़रूर देखते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको लाइव प्रूफ देने के लिए मैं वीपीएन के अंदर आ गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्टार्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है। इस स्टार्ट का मतलब है कि आप इस स्टार्ट को प्रेस करके यूनाइटेड स्टेट के साथ कनेक्ट होकर पबजी चला सकते हैं बहुत आसानी से। पर दोस्तों, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि दोस्तों पबजी अनबैन हो गई है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही ये था, मैंने आपको प्रूफ दिखाना है। और आप मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिए। और दोस्तों, आप ये वीपीएन को कनेक्ट करके आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑफ हुआ है वीपीएन। अगर मैं चाहूँ इसको ऑन करके यूनाइटेड स्टेट के साथ कनेक्ट कर लूँ, पर दोस्तों आपने इसका ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप इसको अनइंस्टॉल कर दें वीपीएन को, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पबजी अनबैन हो गई है। तो आपको पबजी पे चले जाना है। तो हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि पबजी चलेगी कि नहीं चलेगी, शायद चल जाए, पर दोस्तों पबजी अनबैन हो गई है। मैंने आपको बिल्कुल ही ठीक बताया था, इस वीडियो में आपने बिल्कुल ठीक टाइटल देखा था। अभी थोड़ी लोडिंग का वक्त लेगी। तो दोस्तों, इससे आगे नहीं थी जा रही। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आगे है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप का मतलब है कि पबजी अनबैन हो गई है। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैच में मैं एंटर भी होने वाला हूँ, यानी कि मैं गेम के बीच एंटर हो गया हूँ। और जैसी मेरी फेसबुक की आईडी थी, वहाँ से मैं लॉगिन किया था, तो वैसा ही बिल्कुल एज इट इज़ आ गया है मुझे। तो जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने फेसबुक से लॉगिन किया था और मेरा एज इट इज़ फेसबुक अकाउंट वैसे ही आ गया है। वैसे ही मेरी पबजी चल रही है। वैसे जो आरपी था वही आरपी है, जो मेरे आउटफिट थे वही आउटफिट है। तो जैसा कि दोस्तों आप इस स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं कि मुझे पबजी चलाने में कोई परेशानी का सामना पेश नहीं हुआ। और दोस्तों, मैं यकीन रखता हूं कि आपको भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने आईडी रखी थी जबकि बैन हुई है, वही मेरा आरपी आया है, वही आरपी आउटफिट है, मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैच स्टार्ट किया है टीडीएम का, और यकीनन आप देख सकते हैं कि मैच स्टार्ट हो गया है, यानी कि वीपीएन के बगैर मैच स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि मैंने वीपीएन को कनेक्ट नहीं किया, स्टार्ट की ऑप्शन थी, पर मैंने स्टार्ट के ऑप्शन को नहीं दबाया। और आपको मैं दोबारा फिर दिखा सकता हूँ कि वीपीएन मेरा अभी तक ऑफ है, ऑफ पे ही चल रही है, यानी कि पाकिस्तान में पबजी अनबैन हो गई है। आप इसको बहुत ही आसान तरीके के साथ खेल सकते हैं। और अब दोस्तों, बारी है कि इसकी पिंग देखने की कि ये कैसे वर्क करती है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेरा बंदा है वो बहुत स्मूथली से रन कर रहा है और वो फायरिंग भी बहुत स्मूथली से कर रहा है, बनिस्बत के पबजी बैन के दौरान। पबजी बैन के दौरान तो बहुत ही हाई पिंग आ रही थी, बहुत ही हाई पिंग आ रही थी। तो अब आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिंग बहुत ही लो आ रही है और मेरा बंदा भी बहुत स्मूथली से रन कर रहा है और फायरिंग कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि पबजी अनबैन हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वाकई में पबजी अनबैन हो गई है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और आप इसे महरूम ना रह जाएँ। आप ज़रूर मेरी वीडियो देख सकते हैं जब आप सब्सक्राइब करेंगे।
दोस्तों आप मेरी गेम को देख सकते हैं कि गेम तो अच्छी नहीं है, पर आप ये देख सकते हैं बंदा बहुत स्मूथली से रनिंग कर रहा है और फायरिंग भी बहुत स्मूथली से कर रहा है बनिस्बत के पबजी बैन के दौरान, पर अब तो पबजी अनबैन हो गई है। तो दोस्तों जो मेरी आने वाली वीडियो होगी वो ये है कि GTA 5 को डाउनलोड कैसे करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या टैबलेट में, किसी भी टैबलेट में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके के साथ। और दोस्तों हम M1 माइक की भी अनबॉक्सिंग करेंगे इंशाल्लाह और उसका रिव्यूइंग भी करेंगे। ऊपर दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कि M1 क्या चीज़ है, तो मैं उसको बता देता हूँ कि M1 भाई वो माइक है जो आपकी नॉइस को रिड्यूस कर देता है, यानी कि आपकी वॉइस को बहुत ही क्लियर करता है। जब अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वो ही लें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वो माइक ख़रीद लेते हैं, घर ले आते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों उस माइक की खासियत ये है कि आपका जो एक्सटर्नल साउंड है वीडियो का वो बिल्कुल ही रिमूव कर देता है। तो उसको रिमूव करने के साथ साथ वो आपकी वीडियो में एक अच्छा निखार पैदा कर देता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और दोस्तों मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जो टेक्निकल गुरु जी है जिसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो खुद इनको रिकमेंड करते हैं M1 माइक को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें।